नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूक्रेन और रूस की जंग का आज 101वां दिन है। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं रूसी सेना ने अब तक यूक्रेन की 24,000 किलोमीटर सड़कों और 300 पुलों को नष्ट कर दिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के KSE इंस्टीट्यूट के एनालिटिक्स डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था की अब तक 820 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ही अर्थव्यवस्था को $8 बिलियन यानी कि 62,155 करोड़ से अधिक नुकसान हुआ। अफ्रीकी संघ के प्रमुख और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को एक बैठक हुई। दरअसल दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि अफ्रीका को भोजन की जरूरत है और रूस को सहयोगियों की। अफ्रीका में सूखा, आंतरिक हिंसा के पहले से खाद्य संकट मौजूद था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। पर्यावरण दिवस को नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वन विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित जनप्रतिनिधियों और शासकीय विभागों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि नर्मदा जलागम क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के सहयोग से करीब 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,32,00,000 पौधों का रोपण कराया जाएगा। इन क्षेत्रों के स्थानीय वन प्रजातियों के पौधों का प्राथमिकता के आधार पर रोपण कराया जाएगा। स्वाद के लिए इंदौर प्रसिद्ध तो है ही, वहीं खाद्य पदार्थों की शुद्धता और जागरूकता में भी देश भर में बाजी मार ली है। बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें इंदौर जिला पूरे देश में प्रथम आया है। इसमें देश के 188 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 4 जिले भी शामिल हैं। वहीं इंदौर पहले, भोपाल तीसरे, उज्जैन पांचवें और जबलपुर सातवें नंबर पर रहा। वहीं सीएम ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। बता दें कि अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर 7 जून को दिल्ली में देश के शीर्ष 75 जिलों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया और अन्य मंत्री शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के रजिस्ट्रेशन फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई फीस की वजह तय समय के बाद भी छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए रह जाना बताया गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने पहले यूजी के लिए 30 मई की तारीख मुकम्मल की थी और पीजी के लिए 31 मई अंतिम तारीख दी गई थी। वहीं पहले छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपये तक का भुगतान करना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 जून से 500 रुपये कर दी गई है। कटनी में एक वीर जवान जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया, जिसे देशभक्ति और शहीद का दर्जा प्राप्त होता है, उसके पिता आज कटनी कलेक्ट्रेट में पिछले 17 वर्ष से अपनी संपत्ति पाने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली ने उसे आज तक न्याय नहीं दिलाया। पूरा मामला कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील ग्राम कलहेरा का है, जहां शहीद सैनिक की संपत्ति पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। शहीद के पिता ने बताया कि वह कई सालों से अपनी जमीन को मुक्त कराने न्याय के लिए भटक रहा है। बालक मेरा भारत देश की सेवा 20 वर्ष किया, बॉर्डर पर गोली लगी, गोली लगने के बाद वो पेंशन आया। पेंशन आने के बाद गांव से वो 35 किलोमीटर दूर रहता है किराया के मकान में। मेरी पैतृक जमीन है, उसमें असल लोग कब्जा किए हुए। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? यादव लोग, बाहुबली लोग कब्जा करा रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? राष्ट्र मानव आयोग को लिखित में आवेदन दिया, उनके द्वारा राज्य मानव आयोग को भेजा गया, राज्य मानव आयोग के द्वारा कलेक्टर कमिश्नर को भेजा गया। कितनी जमीन है? जमीन है 12,000, लेकिन गांव से लगी हुई जमीन। कितना समय हो गया कब्जा किए? ये 17 साल से मैं भटक रहा हूँ, अभी तो कोई सुनवाई नहीं। फाइलें घुमा दी है न्यायालय से मेरी। कौन से न्यायालय से फाइल घुमाई? तहसील न्यायालय से, इसमें स्पष्ट लिखा है। तो ये किसने घुमाई, किसके समय पर घुमी थी ये? ये घुमी है 18/8/2010 में। अभी तक नहीं मिली? नहीं, उसका ये लेख दे दिए ना क्या कि दुरुस्त के लिए भेजा गया था तहसील न्यायालय, दायरा पंजी में रजिस्टर में दर्ज है। हाँ, तहसील न्यायालय में आदेश का पालन नहीं किया गया है। हाँ, फाइल घुमा दी गई है।
शाजापुर जिले में जन सहयोग अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर दिनेश जैन ने चिलर नदी में साफ सफाई का दौरा किया। इसी बीच विकलांग व्यक्ति को कलेक्टर से मिलवाया। उन्होंने रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 10,000 का चेक प्रदान किया। राशि प्राप्त कर राजेश चौधरी खुश हो गए। वहीं कलेक्टर ने वृद्धाजनों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से पेंशनर्स पेंशन संबंधी समस्याओं को व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ताकि पूरी नगर की जनता को पता है कि 1 जून से 7 जून तक चिल्लर नदी पर सफाई का अभियान, श्रमदान का अभियान जन अभियान परिषद वंदे मातरम ग्रुप के तत्वाधान में चल रहा है। वहाँ पर आज सुबह 11 बजे चिल्लर नदी के तट पर कलेक्टर महोदय ने मॉनिटरिंग के लिए, इस 7 दिन के अभियान का मॉनिटरिंग का काम श्री कलेक्टर महोदय ने लिया है। उन्होंने इस नदी में से 2 ट्राली गंदगी कचरा निकाला। आज हमने देखा वहाँ पर 100 ट्राली से ज़्यादा कचरा और डंपर से ज़्यादा कचरा बाहर हो गया है। उनके प्रयास से ये चमत्कार दिखाया इसी नदी ने कि मेरे को आज मैं इसके पावन चरणों में रहता हूँ, इसी के पास में, और इसी ने मुझे आज कलेक्टर साहब द्वारा राशि मिली दी हुई है। ये 10,000 रुपये आज कुछ ही मिनटों में, आज सुबह में इसी नदी के पास में भीम घाट है उनके पास मिला और निवेदन किया, तो उनने कुछ ही मिनटों में मेरी सहायता की, मेरी बात सुनी और मेरी काम करवा। ये माँ देखिए, जिला प्रशासन का ये प्रयास रहता है कि जो वृद्ध हैं या विकलांग हैं तो उनकी जो भी मदद वो चाहते हैं वो मदद तत्परता से हो जाए। तो अभी सुबह मुझे राजेश जी वहाँ भीम घाट पर चिल्लर नदी की सफाई के दौरान आप लोगों ने अवगत कराया था कि उनको प्रॉब्लम है और ये कुछ आर्थिक मदद चाहते हैं जिससे कि अपना रोजगार वगैरह कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने रेड क्रॉस से अभी इनकी मदद की है और आगे भी जो है बैंक वगैरह से इनको कोशिश करेंगे कि लोन मिल जाए। कटनी के मिस्त्री, मोटर गैराज मैकेनिक, ऑटो पार्ट्स दुकानदार, बस स्टैंड के यूनियन के सदस्यों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में नए अनुबंध और किराए को नए नियम जारी किए गए हैं। मामले को लेकर समस्त कर्मचारी नगर निगम कमिश्नर सतेंद्र धाकड़े से मिले। समस्त दुकानदारों ने अपनी समस्या कमिश्नर को बताई। बस स्टैंड दुकानदार संघ की तरफ से आज हम लोग सब यहाँ पे आए थे और माननीय कमिश्नर साहब ने ये अभी बोला है कि 10 दिन के अंदर इन सब चीज़ों का निराकरण करेंगे और हमारे बस स्टैंड का एक बार अवलोकन करेंगे खुद आके पर्सनल, और एक एक जगह कर मतलब जाके देखेंगे कि क्या स्थिति है दुकानदारों की और वहाँ पे दुकानों की क्या स्थिति। नोटिस दी गई है कि आप अपना अनुबंध कराओ और उसमें अनाप शनाप पैसा मांगा जा रहा है। अनुबंध था मगर 89 में अनुबंध हुआ था, 89 बीच में अभी फिर कोई अनुबंध, उसके बाद से कोई नहीं हुआ। ये अभी बोल रहे हैं कि नए नियम आ गए, सरकार का जब मन होगा तब वो अपने हिसाब से काम करेगी। नहीं, हम लोग किसी प्रकार नहीं, स्थिति ही नहीं है ना, कैसे राजी हो जाएंगे। हमारी स्थिति नहीं, अधिकारी ने दिया है कि 10 दिन के अंदर हम आपकी सभी बातों का निराकरण करेंगे। माननीय कमिश्नर साहब ने खुद कहा है और उनको भी ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामले में। बस स्टैंड, प्रदर्शनी बस स्टैंड से एकत्र हुए हैं, वहाँ पे विगत दिनों से कई नोटिस दिए जा रहे हैं अनुबंध के नाम पे कि नगर निगम से नया अनुबंध कराना है और उल्टी सीधी राशि बताई जा रही है। तो यही सब कमिश्नर साहब के पास आए थे ये बताने के लिए कि एक्चुअल अमाउंट क्या है, और कई लोगों के पास पुराना अनुबंध है तो क्या वो अनुबंध रद्द माना जाएगा। कमिश्नर साहब ने देखा, बड़े अच्छे से बात की, अनुबंध की स्टडी करी और उन्होंने बोला कि जो जिसके पास पुराना अनुबंध है उसका नवीनीकरण हो जाएगा और जिसको नया अनुबंध करना है उसकी राशि की गणना करने को करीब 5-6 दिन बाद बोले हुए हैं। वो 5-6 दिन के दौरान एक नॉमिनल राशि का उन्होंने आश्वासन दिया है और ये दौरा करने को भी बोला है, और वो बोले हैं कि मैं बस स्टैंड में दौरा करूंगा और सब कुछ करके ही राशि अमाउंट करूंगा। लगभग हम लोग ने अंदाजे लगाया कि 1500 से 2000 के बीच में राशि रहेगी अनुबंध, और यदि इतनी राशि रहेगी तो सभी दुकानदार भाई लोग हैं अनुबंध करा लेंगे। नगर निगम का पूरी तरह सहयोग करते हैं, नगर निगम से सहयोग भी बना और नगर निगम के क्षेत्र में है इसलिए नगर निगम से भी आशा करते हैं कि पूरी तरह सहयोग करें। दुकानों का रिन्यूअल सतत प्रक्रिया है, जिन लोगों को 3 वर्ष का आवंटन किया गया था उनको 3 वर्ष के बाद दुकान का रिन्यूअल कराना जरूरी है। शासन के ये निर्देश हैं कि जितने भी दुकानों का आवंटन कॉरपोरेशन ने या किसी डिपार्टमेंट ने किया है उसको प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है, क्योंकि
ये पूर्व के आवंटन है, 80s के 1981-82 के आवंटन है। उस वक्त ये 5 रुपये के स्टाम्प पेन का आवंटन कर दिया गया था। इन सबका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो सभी को रजिस्टर्ड कराने के लिए नगर निगम ने नोटिस दिया था। प्लस जो प्रीमियम और किराए के निर्धारण का भी शासन ने नियम बनाए हैं, कुछ युक्तिकरण किया है, क्योंकि कलेक्टर गाइडलाइन से उसको जोड़ा गया है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उनका किराया और प्रीमियम और रजिस्ट्रेशन तीनों कराने के लिए ही उनसे हमने नोटिस दिए हैं। दुकानदारों को कुछ कंफ्यूजन था, उनको ये कहना था कि हमको प्रत्येक दुकान के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि हमको कितनी राशि लगेगी गणना करके। मैंने कार्यालय को ये निर्देश दिया है कि गणना स्पष्ट करके उनको बताया जाए, इसलिए किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना। खबर मंदसौर जिले से है, जहां रुपयों को डबल करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया ने बताया कि सूदखोर को धोखाधड़ी व रुपये डबल करने का झांसा देकर रुपये ऐंठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार आवेदक रघुनाथ व अन्य 9 आवेदनकर्ता ने आरोपी राजू के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे रुपये डबल करने का झांसा देकर 9,45,000 रुपये लेकर वापस नहीं किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मेरे साथ में तो मेरे से 20,000 रुपये लेकर गया, मेरी बहन से 45,000 रुपये लेकर आया, और उसके बावजूद मेरी बहन से तो ये झूठ बोल करके लाया वो कि मेरी बहन के लड़के का हाथ जल गया है। उसके बावजूद बहन यहाँ आई, उसके घर मांगने भी गई, उसने पैसे नहीं दिए, झगड़ा करने दूला, घर भर के झगड़ा करते हैं। मम्मी आई थी मेरे पास, क्या बोला मम्मी ने? मम्मी ने बोला कि आपके पास 10-20 हज़ार भी नहीं है क्या, आप 10-20 हज़ार भी नहीं दे सकते हो क्या? मौत पूरे मोहल्ले की महिलाएं थी मेरे खेत पर, मेरे कुएं पर पूरे मोहल्ले की महिलाएं थी, मेरे घर की भी थी और मेरे पूरे घर की थी। ठगी का मामला ये गांव में बहुत दिन से, वो जो महीना दो महीना तीन महीना से वो मान लो कि एक का दो एक का डेढ़ एक ऐसा कर रहे थे, चल रहे थे नहीं पड़ा। अब ये चला रखे तो हमारे पास भी आए हो, अब तुम लोग कैसे बैठे डीडे डाले, हम लोग कई लोगों की गरीबी। जो कर रहा था जो राजू हीरा लाल गोस्वामी, तो उनने बताया तुम कैसे डीले डोले बैठे हो, तुम मैंने कई लोगों की गरीबी दूर कर दी हो, आप तो घर का परिवार के होते हुए आप कैसे डीले बैठे, आपके पास जो भी रकम हो चाहे आप दो। तो हमने हमारे मकान के कोई चलाने के कार्य चलाने के लिए हमने गाय और भैंस कुछ बेच कर कुछ रकम हमारे पास थी, उनको अपने मकान काम पूरा करवाएंगे। तो ये बोला कि आज नहीं 8 दिन बाद चला लेना, 15 दिन बाद चलवा लेना काम, तो हम तो हमारा पूरा सहयोग कर देंगे इन पैसे का। ग्राम पंचायत नावली में टोटल 10 लोगों के साथ 9,45,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। ये राजू उर्फ राजेश पिता हीरालाल गोस्वामी गिर नावली का निवासी है। इसने गांव के भोले भाले लोगों को पैसा डबल करने का सभी को आश्वासन दिया था और सभी से इसने पैसे लिए। शुरू में इसने 1,000-2,000 रुपये लेके वापस भी किए उनको, 3,000-4,000, तो लोग विश्वास में आ गए और फिर उन्होंने इसको ज़्यादा पैसे दिए। अभी हमको 10 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है, तो 10 लोगों के आवेदन के आधार पर हमने अपराध क्रमांक 42/22 धारा 420 भादुनों में कायमी की है और अन्य लोगों को भी देखा जा रहा है, अगर उनके साथ भी की है तो कार्रवाई होगी। सीहोर जिले के बुधनी नर्मदा ब्रिज से एक युवक ने 2 बच्चों के साथ नर्मदा में छलांग लगाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय मछुआरों की मदद से युवक को बचाया गया। जानकारी के अनुसार युवक सुहागपुर के डुंगरिया गांव का रहने वाला है, उसके साथ 4 साल का लड़का और एक लड़की थे जिन्हें गोद में लेकर नर्मदा में कूद गया। मौके पर एक ऑटो चालक ने उन्हें कूदते देख पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर SDM, SDOP, तहसीलदार व TI अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां तलाश करने पर वह मिल गया, लेकिन दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। नर्मदापुरम से आ रहा था, बुधनी की तरफ जा रहा था अपने घर की तरफ, और मैंने देखा कि दो बच्चे एक आदमी के हाथ में है और वो इस पिलर के इस साइड खड़े थे। जब तक हमारा ऑटो उसके पास पहुँचा वो कूद गए और हमने उसको नीचे देखा और नहीं मिला, तो हमने तुरंत 100 का कॉल किया और 100 टाइम से आई और वो अभी बच्चों को ढूंढ रही है। तो कितने बड़े बड़े बच्चे थे उसमें? वो होंगे 6 साल से कम के होंगे, 6-7 साल की ज़्यादा उम्र के नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे।
दीपालपुर जनपद पंचायत के 25 वार्ड 108 ग्राम पंचायतों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन कार्यालय में जमा होना शुरू हो गए हैं। वहीं जनपद के वार्डों के लिए आज 4 फॉर्म नए जमा हुए हैं। अभी तक कुल 16 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हुए। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच और पंच के नामांकन के लिए भी प्रत्याशियों के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत मेदात से सरिता बाला ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। विगत 5 दिनों में आज मिलाकर हमारे पास 16 नॉमिनेशन आए हैं। जनपद सदस्य के 25 वार्ड हैं हमारे देपालपुर विधानसभा में, देपालपुर ब्लॉक में, और 25 के अगेंस्ट अभी तक 16 आवेदन आए हैं और उन 16 आवेदनों में भी 12 ब्लॉक कवर हो गए हैं। मतलब अभी भी हमारे पास 13 ब्लॉक है, 13 वार्ड ऐसे हैं जो जिसमें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर विधानसभा क्षेत्र के भानबेड़ा में आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि भानबेड़ा प्रवेश द्वार से स्कूल प्रांगण तक सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र में रहने की उत्तम व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भानबेड़ा में 10 से बढ़ाकर 20 बिस्तर अस्पताल होगा। मुंगवाल, भैंसा कन्हार तथा चिचगांव के हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। नवीन पुलिया का होगा निर्माण, साथ ही 5 गांवों में 16 लाइट लगवाए जाएंगे। इसके बाद नगर पंचायत भानु में मुक्तिधाम कनेचुर में भी हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाएगा। कुछ घोषणाएं भानबेड़ा में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र भानबेड़ा में आता निर्माण किया जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भानबेड़ा को 10 बिस्तर से बढ़ाकर 20 बिस्तर किया जाएगा, मुंगवाल, भैंसा कनार तथा चिचगांव के हाई स्कूल और एक जो बच्ची जो बोली है कनेचू उसको भी हायर सेकेंडरी नया किया जाएगा और छोटा से परवीन मार्ग पर नवीन पुलिया निर्माण किया जाएगा और विधायक जी ने तो सोलर लाइट की बड़ी डिमांड की है। मैं तो गांव में कर आया था, यहाँ भी विधायक जी के डिमांड पे 5 गांव को सोलर लाइट लगाने की घोषणा मैं करता हूँ और नगर पंचायत में भानु नगर पंचायत भानु तालाब में तो मैं मुक्ति धाम के लिए घोषणा करता हूँ। साथ ही और भी जो डिमांड है और उसमें जैसे जैसे राशि उपलब्ध होगी निश्चित रूप से विकास के कार्य में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये विश्वास दिलाते हुए आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय सतगुरु। शहडोल जिले के ग्राम मझगवा में दुकान संचालक ने प्रसूता के खाते से 4000 रुपए हड़पे। पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शहडोल से की। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार से प्रसूता गीता बाई को 12000 रुपए की राशि मिली थी, जिसके बाद फरियादी गीता बाई के बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी प्रसूता ऑनलाइन की दुकान पर गई जहाँ उसने 4000 रुपए अपने कहने से निकलने के लिए संचालक से कहा। फरियादी महिला का कहना है कि संचालक सतीश ने 2 बार अंगूठा लगाया और कहा कि 4000 की राशि सरकार ने वापस काट ली। इस बात की शिकायत फरियादी महिला गीताबाई ने थाना कोतवाली में की। पुलिस ने उक्त शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गीताबाई मझगवा की है, उसका कुछ प्रसूत संबंधित पैसा आया था उसके खाते में, टोटल 12000 रुपये थे। वो किसी कियोस्क वाले के यहाँ जो गांव का ही तिवारी है उसके पास गई थी तो अंगूठा उससे लगवा लिया और अंगूठा लगवाने के बाद उसका कहना है कि फिर उसने बोला कि अब तुम्हारा पैसा नहीं निकल रहा है, इस तरह से उसने पैसा उसको दिया नहीं। इसकी जानकारी जब वो बैंक गई तो उसको ये पता चला कि नहीं, तुम्हारा पैसा तो 4000 निकल चुका है, 12000 में से केवल 8000 रुपये बचे हैं। इसी की शिकायत करने वाली थी जिसकी जाँच के लिए हमने लिख दिया है और जैसे भी स्थिति क्लियर होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पहले हम चेक करवाने आए थे ऑनलाइन से, गांव में आए थे मझगवा, ये सतीश तिवारी के यहाँ, तो चेक हो गया, पहला अंगूठा लगवाया तो अंगूठा लगवाया तो बोला कि 12000 है आपके खाते में, 12074 रुपये। तो इसके बाद हम बोले कि 4000 निकाल दो, तो फिर कहा अंगूठा लगाओ, अंगूठा तो लग गया, फिर बोला कि आपका पैसा कट गया, नहीं मिले गया, बोला कि सरकार काट लिया, सर्च नहीं पा रहा है,
सर्चिंग नहीं कर रहा है, ऊपर से काट लिया सरकार। किस चीज़ का पैसा आया था? वो बच्चे वाला पैसा आया था डिलीवरी का। कब आया था? कि सर ये हम 2 तारीख को गए थे चेक कर, मेरा मैं तो पहले फिर पैसा मेरा निकल गया सर, तो मैं बैंक सीधा सरकारी बैंक गया, शहडोल आया, तो सर शहडोल आए तो उसमें साहब बोले कि आपका पैसा वही निकाल लिया अंगूठा लगा के, आप उससे बोलो मांगो आए। तो हम फिर आए तो वो बोल दिया कि जो जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे पैसा, हमारे खाता में नहीं आया है। अब आप कहाँ? हाँ, जो करना है कर लो आए। तो अब आप कहाँ आए शिकायत करने? हम शिकायत करने यहाँ आए हैं, एसपी के यहाँ। उमरिया जिले की पाली नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 4-5 दिन से लगातार भालू का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ भालू आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया है, जिसमें लोग भालू को भागते तो कहीं तस्वीर लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। वहीं वन विभाग की टीम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जो भालू दिखाई दे रहे हैं पाली क्षेत्र में, उमरिया के और भी जंगल क्षेत्र में, उसमें मैं उमरिया वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी उमरिया वासी अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने जो खिड़की दरवाजे हैं रात के समय बंद रखें। भालू जो है वो मुख्यतः महुआ की गंध से आकर्षित हो रहा है, और इससे बचने के लिए अपना महुआ जो है वो भी सुरक्षित अलमारियों में बंद रखें, जिससे गंद बाहर ना आए। और जैसे ही भालू कहीं दिखता है किसी को कहीं पे, तो उसकी तुरंत सूचना वन विभाग को दें। राजधानी रायपुर में आईजी रेंज ऑफिसर ने नवपदस्थ थाना प्रभारियों के साथ बैठक ली। बैठक में थाना प्रभारियों के अलावा जिले के एसपी, एएसपी और सीएसपी भी मौजूद रहे। आईजी ने सभी थाना प्रभारियों को समय पर मामले के निराकरण और अपराध पर नकेल कसने के निर्देश दिए। कई थाना प्रभारी अभी उन्होंने हाल में ज्वाइन किया है, और पिछली बैठक हुए करीब 1 महीना हो गया था, तो जिन चीज़ों में कसावट की आवश्यकता महसूस की जा रही है या जिन चीज़ों को लेकर पुलिस को लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, उन मुद्दों के संबंध में आज बैठक की गई थी। और इसमें जो यहाँ के राजपत्रित अधिकारी हैं और थाना प्रभारी हैं, उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। भिलाई में ट्रक और इनोवा गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से ट्रक में आग लग गई, वहीं कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं ट्रक की आग को दमकल कर्मियों द्वारा बुझाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को ग्राम भानबेड़ा में महुआ लड्डू निर्माण का अवलोकन किया। सीएम ने राशन कार्ड संबंधित जानकारी भी ग्रामीणों से ली। वहीं मुख्यमंत्री से ललिता तारम ने उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की समस्या बताई। सीएम ने तुरंत समस्या का निराकरण की बात कही। रायपुर में एक मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने नोटिस दिया है, वहीं इस कॉलेज के 6 डॉक्टर्स की शिकायत पर नोटिस जारी हुआ है। वहीं 7 जून को एथिक्स कमेटी की बैठक भी बुलाई गई। इस एथिक्स कमेटी के माध्यम से डॉक्टर्स अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि कॉलेज पर 6 इंटर्न डॉक्टर्स ने मनमर्जी का आरोप लगाया है। जिला अधिकारी वरुण चौधरी शहर का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का पुलना से घाघरिया तक पैदल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से आपसी समन्वय बनाते हुए यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, शौचालय एवं साफ सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। वहीं डायवर्जन मार्ग का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य 1 सप्ताह में कार्य पूरा कराने को कहा। भिंडवार से 2 किलोमीटर पीछे गदेरे के पास मार्ग में सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल रैलिंग लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने भिंडवार में निर्माणाधीन नए अप्रोच मार्ग का निरीक्षण भी किया। वहीं पुलना से घांघरिया तक 10 स्थानों पर रन शेल्टर बनाए जाने हैं, लेकिन अभी 5 स्थानों में रैन शेल्टर बनाए जा रहे हैं। डीएम ने स्ट्रीट लाइट, सुलभ शौचालय, बिजली की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन लगाने व विद्युत पोलों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने पर्यावरण विकास समिति को जगलचट्टी में वायो टॉयलेट के खराब दरवाजे बदलने, शौचालय की मरम्मत व पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने व खराब कूड़ेदानों को तत्काल बदलने के लिए भी कहा। निरीक्षण के दौरान अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।